इस सरकार का गुड गवर्नेंस से तो दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। ये सरकार जो है कंप्लीट, जिसको हम बोलते हैं, फेलियर है। और जहाँ तक हम एम्प्लॉयज़ की बात अगर देखें, ये ठीक है इन्होंने JCC की मीटिंग कॉल की, पर मैं तो समझती हूँ कि इन्होंने उस JCC की मीटिंग के बाद जो मिनट्स निकाले, जो बातें बाहर आई, एम्प्लॉयज़ तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जो बात हुई थी पंजाब पे स्केल को लेकर के, और जो उसमें कई सारे वो हैं, 9/14 वाला है और कई इश्यूज़ हैं, तो उसको एड्रेस करने में ये बिल्कुल विफल है। पंजाब पे स्केल का सिर्फ इन्होंने नाम लिया है, लेकिन जो एक्चुअल जो ये इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, उसका पंजाब पे स्केल से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। उसके अलावा आप देखेंगे कि NPS वाले जो हैं वो धरनों पर बैठे हुए हैं, करुणा मूल आधार वाले हैं वो धरनों पे बैठे हुए हैं। NPS वालों की अगर आप बात देखें तो पीछे इन्होंने कहा था कि 2009 का एक नोटिफिकेशन है, हमारा क्वेश्चन भी था विधानसभा में, मेरा भी था और उनका भी था, कि उसको हम लागू करेंगे। अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, आज हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी दर जो है लगभग 14% हो गई है, और ये एक जिसको हम कहते हैं अलार्मिंग रेट से बढ़ती जा रही है। जॉब्स नहीं है, नौकरी के प्रावधान के लिए कोई भी, जिसको हम कहते हैं, कोई इनके पास स्कीम नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये तो अपनी पार्टी के अंदरूनी लड़ाइयों में व्यस्त हैं, इनकी पार्टी में गुटबाजी इतनी है, इनकी पार्टी का कोई लीडर कभी केजरीवाल को मिलने जाता है, कभी कोई कहीं और सुनते हैं, कोई ममता दीदी को मिलने जाता है। ये अपनी पार्टी को संभालने में इतने व्यस्त हैं कि इनको सरकार का जो कार्यकाज है उसको चलाने के लिए समय ही नहीं है। चेंज करना नहीं करना तो सोनिया गांधी हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है, उनका काम है। हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, हमारा काम है कांग्रेस की लड़ाई लड़ करके और कांग्रेस की सरकार बनाना, और वो काम हम पूरी तरह से करके दिखाएंगे। और आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार इस साल के अंत में भारी बहुमत से जीत के आएगी, प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी, और कांग्रेस का जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में होगा। मुख्यमंत्री भी हो सकता है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री होगा, पुरुष हो महिला हो वो ज्यादा माने नहीं रखता है। ज्यादा माने ये बात रखती है कि कांग्रेस का जो है मुख्यमंत्री हो, जो कि हिमाचल प्रदेश को एक बार फिर तरक्की की राह पे ले जा सके। महिला होने के नाते आप चाहेगी कि भागीदारी महिलाओं की बढ़नी चाहिए? भागीदारी महिलाओं को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी जी ने पहले ही पंचायती राज में और ये सब जितनी संस्थाएं थी उनमें भागीदारी बढ़ाने का लॉ इनेक्ट किया। 93rd और 94th अमेंडमेंट जब हुई तो पंचायती राज में 50% तक महिलाओं को भागीदारी है, अर्बन बॉडीज में भी है। निश्चित तौर पे बतौर महिला मैं चाहूँगी कि जो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेंडिंग है, कि विधानसभा और लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी महिलाओं को एक उचित स्थान और भागीदारी मिले, वो बिल जो है हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस बिल को लेकर के आए और वो बिल पास होना चाहिए।